तो दोस्तों क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स अ रेसिड्यू ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। वेट ऑफ रेसिड्यू व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इज। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम मास लिखेंगे। मास क्या है गिवन, 50 ग्राम ऑफ CaCO3। ओके, इसे हम मोलार मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलार मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, यानी 40 प्लस 12 52 प्लस 48 100 ग्राम पर मोल। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलार मास। मास है 50, मोलार मास 100 इज इक्वल टू 0.51 × 5 2 × 5 मतलब 0.5 मोल्स। ओके, अभी हमें पता चला कि कैल्शियम कार्बोनेट की 0.5 मोल्स है। अभी हम इक्वेशन लिख लेंगे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो CaCO3 ऑन हीटिंग डेल्टा साइन गिव CaO प्लस CO2, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसे हम स्टोइकोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। स्टोइकोमेट्री में क्या चाहिए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स इसके है 0.5, इसके हमें फाइंड आउट करना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 1। देयरफॉर बाय स्टोइकोमेट्री वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CaO। इसके नंबर ऑफ मोल्स से 0.5, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू n ऑफ CaO अपॉन 1, मतलब n ऑफ CaO हो गए 0.5 मोल्स। मोलार मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड आउट करेंगे। मोलार मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी 56, और हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है। तो इससे हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास यानी 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5 होता है 56 इंटू 1/2, 2 1 2 2 4 1 8 2 8 16 यानी 28 ग्राम ऑफ रेसिड्यू इज लेफ्ट। दिस इज योर आंसर। थैंक यू।